નમસ્કાર ગામના સમાચાર સાથે હું છું જયેશ. સૌપ્રથમ દિલ્હીનો રૂખ કરીશું કે જ્યાં એમ્સમાં લાગી ચૂકી છે આગ અને આગ એટલી ભીષણ છે જેને બુઝાવવા માટેના પણ પ્રયત્નો અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. આપને જણાવ્યું કે આખરે આ સંકુલની અંદર જે આગ લાગી છે તેમાં શૈક્ષણિક સંકુલના પહેલા અને બીજા માળે આ આગ લાગી છે અને શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ સામે આવી રહ્યું છે અને હાલ આગને કારણે પહેલા અને બીજા માળમાં જે પરિસ્થિતિ છે તેનો સમગ્ર ચિતાર અમે આપની સમક્ષ આપી રહ્યા છીએ. કારણ કે એમ્સમાં જે શિક્ષણ સંકુલ છે તેની અંદર શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હતી અને પ્રથમ અને બીજા માળ પર આ આગ લાગી હોવાની વિગતો મળી રહી છે. આપને જણાવીએ કે આખરે આ શૈક્ષણિક સંકુલની અંદર ભીષણ આગ લાગી ચૂકી છે અને આગ પર કાબૂ મેળવવા માટેના અત્યારે પ્રયત્નો કરાઈ રહ્યા છે. ઇમરજન્સી વોર્ડ પણ ખાલી કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત અત્યારે શૈક્ષણિક સંકુલની આસપાસ ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ પણ ત્યાં પહોંચી ચૂકી છે. ટીચિંગ બ્લોકની અંદર આગ લાગી હોવાની વિગતો મળી રહી છે. ફાયર બ્રિગેડની કુલ 34 જેટલી ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે જે આગને ઓલાવવા માટેના પ્રયત્નો અત્યારે કરી રહી છે. આ બંને તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છે. એક તરફ એમ્સનો એ નજારો, બીજી તરફ અત્યારે જે જગ્યા પર આગ લાગી છે ત્યાં 34 જેટલી ફાયર વિભાગની ગાડીઓ ત્યાં પહોંચી ચૂકી છે અને એમ્સમાં ટીચિંગ બ્લોકની અંદર જે આગ લાગી છે આ બંને તસવીરો આપને સમક્ષ રાખી રહ્યા છે કે જ્યાં એમ્સના પ્રથમ અને બીજા માળે શિક્ષણ સંકુલની અંદર આ આગ લાગી હોવાની વિગતો મળી રહી છે અને આ ભયાનક આગ છે. કારણ કે 34 જેટલા જે તમામ ફાયર વિભાગના છે એ તમામ લોકો ત્યાં ઉપસ્થિત છે. વધુ વિગતે વાત કરી રહ્યા છે, જોડાઈ રહ્યા છે TV9 સંવાદદાતા રજનીશ. રજનીશ, અભી ક્યા અભી અહેમિયત દી જા રહી હૈ, કોન સે સંકુલ મેં જ્યાદા આગ લગી હુઈ હૈ ઓર ક્યા કાર્યવાહી અભી વહાં પે હો રહી હૈ? बिल्कुल आपको दिखाएंगे यहाँ से पीछे एम्स की तस्वीर और धुआं आप देख सकते हैं. सामने जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसी के पीछे है टीचिंग ब्लॉक और वहीं पर लगभग 4:45 बजे आग लगने की ये खबर सामने आई थी. शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी और अभी लगभग 34 गाड़ियां हैं फायर एम्बुलेंस की, दमकल की, जो आग को बुझाने की कोशिश कर रही है. इनिशियल जानकारी यही है कि आग को अब काबू में पाया जा रहा है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले धुआं बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये पूरा जो एरिया है वो धुएँ से कवर हुआ है, लेकिन अब धुआं कहीं ना कहीं छटने लगा है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग अब धीरे धीरे कम हो रही है. आग की जो तीव्रता है वो अगले कुछ एक से डेढ़ घंटों में वो शायद पूरी तरह से काबू में आ जाए, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत माइनर ये आग होगी और उसको जल्दी काबू में कर लिया जाएगा. इसीलिए पहले फायर एम्बुलेंस की 6 गाड़ियां यहां पर आई, उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और अभी 33-34 के आसपास में दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, उनके कर्मचारी हैं जो लगातार आग को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं. शॉर्ट सर्किट से जब आग लगती है तो उसको बुझाने में बहुत दिक्कत होती है, निश्चित तौर पर वो मुश्किल भी आ रही होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई कैजुअल्टी या किसी भी तरह की अप्रिय सूचना अंदर से नहीं आई है. जो दोनों ब्लॉक हैं, चाहे वो टीचिंग ब्लॉक हो या उसके बगल का इमरजेंसी वार्ड हो, उसको बंद कर दिया गया है. पेशेंट्स और उनके जो परिजन हैं उनको वहां से हटा दिया गया है, दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है ताकि इस धुएं की वजह से, आग की वजह से उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े. अच्छी बात यह है, तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अगले कुछ समय में ये आग पूरी तरह से काबू में आ जाएगा और यहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी. हालांकि अभी भी पैनिक जैसी स्थिति बनी हुई है और लगभग 1.5 घंटे से इस आग को काबू में करने का पूरा एक युद्ध यहाँ पर चल रहा था, उसमें अब कामयाबी मिलने लगी है, वो तस्वीरों में देखा जा सकता है. बिल्कुल रजनी सर, एम्स के इस फ्लोर को समझना चाहेंगे, पहले और दूसरे फ्लोर में जो आग लगी है वहाँ एक्चुअली होता क्या है और अभी क्या वहाँ पे स्थिति बनी हुई है? देखिए, जहाँ पर ये आग लगी है वो टीचिंग ब्लॉक है, उसके पास में हॉस्टल है, नर्सेज के रहने की व्यवस्था है और टीचिंग ब्लॉक के बगल में क्लेरिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर बिलिंग होती है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटियल जो काम है वो किए जाते हैं और उसके तुरंत बगल में इमरजेंसी वार्ड है और उसके आसपास में अलग 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 डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग फैकल्टी हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे अलग अलग बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है. उनके तमाम बिल्डिंग्स, उनके तमाम डिपार्टमेंट एक दूसरे से सटे हुए हैं. जहाँ पर ये आग लगी है वो टीचिंग ब्लॉक का पहला और दूसरा
माला है। दूसरी मंजिल पे आग ज्यादा लगी है और वो आग पहली मंजिल तक पहुंचने लगी थी, तभी उसको काबू में करने का प्रयास शुरू हुआ है। तो इस वक्त ये कह सकते हैं कि दूसरे माले पे ज्यादा नुकसान है, ज्यादा आग लगी होगी और पहले मंजिल पे कम आग लगी है, लेकिन अगल बगल के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, क्योंकि वो इमरजेंसी ब्लॉक भी है और साथ ही साथ पेशेंट्स के और उनके रिलेटिव्स के भी रहने की जगह है। वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ बैठे रहते हैं, तो इस लिहाज से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी अगर उनको वहाँ से हटाने में देरी होती। तो जैसे ही ये आग लगी तुरंत इमरजेंसी को बंद कर दिया गया और तमाम पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, चूंकि बहुत दूर कैमरा लगा है, जो सामने जो लाल बिल्डिंग दिख रही है उसी के पीछे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली भी एडमिट है, जो न्यूरोलॉजी का ICU है वहाँ पर उनको एडमिट कराया गया है। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था क्योंकि धुआं बहुत तेजी से फैल रहा था एम्स के चारों तरफ और अब से 15-20 मिनट पहले यहाँ का नज़ारा इतना ज़्यादा धुंधला हो गया था कि कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि धुएं की चादर में ये पूरा एरिया लिपट गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। अभी की स्थिति देखकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा आग को काबू में कर लिया गया है, उस पर एक तरह से काबू पा लिया गया है क्योंकि धुएं अब सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 33-34 दमकल की गाड़ियां हैं वो जरूर उसने अपना काम किया है और एक बहुत बड़ी आग, एक बहुत बड़ी अनहोनी को होने से बचा लिया। हालांकि आग से नुकसान जरूर हुए होंगे, उनके अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पे बहुत सारे कागज होंगे, बहुत सारे कागजात होते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, उसका नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन जान माल का नुकसान या किसी भी तरह की कोई क्षति की खबर इस वक्त तक सामने नहीं आई है, तो ये कहीं ना कहीं संतोष की बात है। जी बिल्कुल रजनीश, खासतौर पर इस पूरी मंजिल को अभी तो खाली करवा लिया गया है, लेकिन जो धुआं उठ रहा है क्या उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है? निश्चित तौर पर ये अब एक बड़ा कंसर्न होगा यहाँ के अस्पताल प्रशासन का, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर मरीज, उनके तीमारदार, उनके जानने वाले यहीं पर रहते हैं, उनको यहाँ से हटाया भी जाता है लेकिन तब भी वो यहीं पर रुके रहते हैं, तो उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा भी एक चिंता की बात होगी। अगर ये धुआं और आग पूरी तरह से काबू में नहीं आता है तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन अस्पताल के भीतर उसके लिए लगातार बंदोबस्त किया जा रहा है और लोगों को एम्स का जो पूरा प्रिमाइस है, जो पूरा प्रांगण है, वहां से हटा लिया गया है और पीछे बहुत बड़ा एरिया है, इसके पीछे ये चूंकि यहां से शुरुआत है, इसके पीछे 2-3 किलोमीटर आगे तक और भी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारी खाली जगह है, तो वहां पर लोगों को भेजा जा रहा है ताकि वो इस धुएं की चपेट में ना आए और खुद को बचाएं। तो इस वक्त इस तरह की तैयारी भी वहां पर दिख रही है, लोगों को यहां से हटाया जा रहा है धुएं और आग की वजह से या इस पूरे पैनिक स्थिति की वजह से, उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, उनके पेशेंट्स को तकलीफ ना हो, इसका भी ख्याल एम्स प्रशासन की ओर से, अस्पताल की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल, तकरीबन कितनी दमकल की गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं जो इस पूरे वाक्य पे अभी नजर बनाए हुए हैं और आग को काबू में लेने के प्रयास में जुटे हैं? देखिए 33-34 गाड़ियां हैं, क्योंकि जब मैंने आपसे बात करना शुरू किया था उस वक्त तक 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और उसके बाद 3-4 गाड़ी और अंदर गई है, तो इस वक्त एग्जैक्ट फिगर 33 या 34 के आसपास में हो सकता है जो इस वक्त भीतर मौजूद हैं और लगातार आग को काबू में किया जा रहा है। और तस्वीरों की अगर तुलना करें अब से 20-25 मिनट पहले से और अब में, तो बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई दे रहा है, धुआं उतना ज़्यादा नहीं है, धुएं की वजह से जो ये पूरा एरिया एक तरह से अंधेरा हो गया था वो अब वैसी स्थिति नहीं है, यानी कि जो 33-34 गाड़ियां अंदर मौजूद हैं दमकल की, उसने अपना काम किया है और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ वो क्लैरिटी एयर में, हवा में वो दिखने लगी है। अगले 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में ये और साफ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। तो क्या अभी सिर्फ धुआं दिख रहा है या फिर जो आग की लपटें हैं वो भी बाहर आती हुई दिख रही थी, उस आग पे काबू अभी तक हो चुका है?
देखिए यहाँ से मैं वहाँ की तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन दूसरी मंजिल पे बहुत ज्यादा आग लगी थी, उसको काबू कर लिया गया है।